हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बी एस सी एन एम एस सी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज हम स्पेशली बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, जिसमें हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का कौन सा प्रिपरेशन है, टू प्रिपेयर फेरस सल्फेट और ग्रीन विट्रो फ्रॉम किप्स वेस्ट। तो किप्स वेस्ट क्या है, तो किप्स वेस्ट में से हम ये बनाएंगे। तो किप्स वेस्ट जो होता है वो H2S जनरेट करने का एक अपराटस होता है। उसके अंदर हम FeS और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। तो किप्स वेस्ट अपराटस विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी टू सप्लाई टू H2S गैस। ये जो H2S गैस है उसके अंदर जो वेस्ट पड़ा होता है, मीन्स FeS का जो कंपाउंड पड़ा होगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो मिक्सचर पड़ा होगा, उस मिक्सचर को हम यूज़ करेंगे एज ए किप्स वेस्ट और उसमें से हम बनाएंगे FeS और फेरस सल्फेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्रिंसिपल है, इक्वेशन है, रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है एंड रिजल्ट। तो ये सब हम वन बाय वन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपको दिया गया है, तो प्रिंसिपल में क्या आएगा, तो किप्स वेस्ट सम अनयूज रेसिडुअल ऑफ किप्स अपार्टस विच इज कॉल्ड टू किप्स वेस्ट, जो हाल ही में बात की। दिस में बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर फेरस सल्फेट। The Kips waste contain ferrous sulfate, unused H2SO4 and some ferric sulfate. Then the preparation is done by adding some more iron fillings and concentrating the solution by heating. तो ये पूरा का प्रोसेस है, इस प्रकार से हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो थोड़ा बहुत H2SO4 जो है अनरिएक्टेड पड़ा होगा, उसके साथ FeS जो है उसका भी रिएक्शन होगा और FeSO4 हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे FeS सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें से क्या बनेंगे, FeSO4 सॉलिड और H2S गैस। तो FeS में सॉलिड जो है उसमें से Fe और H2SO4 में SO4, तो FeSO4 यहाँ पे बाइंड हो जाएगा FeSO4 एंड क्या रह जाएगा बाद में, H2 हाइड्रोजन गैस एंड एस सल्फाइड गैस। तो दोनों गैस मिला के यहाँ पे H2S गैस यहाँ पे मिलता है। तो FeSO4 एज अ सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा लाइट ग्रीन कलरेशन। चलिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले किप्स वेस्ट चाहिए 100 ml, देन डाइल्यूट H2SO4 20 ml चाहिए एंड देन लास्ट आयन फिलिंग्स 4 to 5 ग्राम। ये जो 3 कंपोनेंट है वो हमें रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। चलिए रिक्वायरमेंट आ गई है तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो टेक 100 ml ऑफ द किप वेस्ट इन ई वेपरिंग डिश एंड एड 20 ml ऑफ डायल्यूट H2SO4 अलाउड बाय आयन फिलिंग टिल द सॉल्यूशन बिकम सेचुरेटेड। आपको 100 ml जो है वो किप्स वेस्ट लेना है, 20 ml H2SO4 लेना है और उसको आयन फिलिंग ऐड करके थोड़ा सा हीट करना है, उसको सेचुरेटेड बनाना है। हीट द सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग एंड ऐड मोर फिलिंग इज नीडेड। उसको थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल कीजिए अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर आयन फिलिंग ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करेंगे, तो टेस्ट ऑफ ड्रॉप द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक Fe+3 आयन्स इन द डायरेक्टली टेस्ट विद द KCNH टेस्ट। तो KCNH टेस्ट में क्या आएगा, तो KCNH टेस्ट हम जब परफॉर्म करेंगे अगर Fe+3 प्रेजेंट है तो इंस्टेंटली रेड कलर आएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट ब्लड रेड कलरेशन अगर है तो उसका मतलब वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस Fe+3 आयन्स मस्ट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय हीटिंग। तो आपको क्या करना है, Fe ऐड करते जाना है और जो Fe+3 है वो +2 फॉर्म में हो जाएगा, तो वो जो है उसमें से वो नहीं दिखाएगा। आपको Fe+3 का जो रेड कलर है वो डायरेक्टली KCNH के साथ नहीं दिखेगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि ओके अब उसमें से Fe+3 आयन क्लियर हो चुका है एंड देन आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो नाउ फिल्टर दिस हॉट सॉल्यूशन इन अ बीकर प्लेस इन द वाटर बाथ। तो जो वाटर बाथ है उसके अंदर आप रख दीजिए, वो वाटर बाथ जो है तो ठंडा होना चाहिए या फिर उसके अंदर आइस होना चाहिए। देन आफ्टर सम टाइम प्लेट ग्रीन क्रिस्टल ऑफ द FeSO4 7H2 सेपरेट आउट। तो उसके अंदर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, 1 घंटे आधे घंटे या जो भी टाइम लगता है उस हिसाब से आपको FeSO4 का सॉलिड पदार्थ आपके बीकर में नीचे जमा हुआ दिखेगा। तो द क्रिस्टल आर द फर्दर ड्राई इन द पोर प्लेट। तो जो पोरस प्लेट होती है उसके ऊपर आप उसको ड्राई कर सकते हैं। तो आपको जो फिल्ट्रेट आता है उसको सिर्फ ठंडा करना है, जस्ट कूल, ठीक है, एंड देन आपको उसको टच नहीं करना है, उसको रहने देना है।
थोड़े टाइम में रख दीजिए, अपने आप ही उसमें क्रिस्टल डेवलप हो जाएंगे और उसको आप फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद आप उसको अंदर जो है तो वेट कर सकते हैं। अवॉइड द स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड स्टरिंग, इट केस ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है और जो ज़्यादा स्टर नहीं करना है। फिल्टर जब एक बार आ जाए तो उसको स्टर नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। तो आप देख सकते हैं ट्वाइस SPSO4 है, उसमें से हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा Fe2SO4+H2O इस प्रकार का फॉर्म अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, वो आपको जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप उसका अनरिएक्टेड पार्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में तो आपको पता है ये थ्योरेटिकल एलिस में नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो जो सॉल्यूशन लिया था, जो किप्स वेस्ट का सॉल्यूशन था 100 ml, तो उसमें कितना ग्राम क्या था वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल एलिस नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर थ्योरेटिकल कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रोडक्ट का वेट मिलता है वो प्रोडक्ट हम 100 ग्राम में x ग्राम FeSO4 हम बना सकते हैं। ये बस इतना ऐसे सिंपल से कैलकुलेशन है और रिजल्ट में भी बस सेम ही आएगा, जो वेट था वही वेट आपको यहाँ पे लिखना है। x ग्राम मीन्स जो भी FeSO4 का वेट हुआ था, क्योंकि उसके परसेंटेज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास थ्योरेटिकल एलिस है तो आप आराम से उसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था FeSO4 का पूरा प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है तो आप इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हैं और 1 या 2 घंटे में आपका ये प्रैक्टिकल पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।